मैं पैसा कमा सकता हूँ वीडियोस बना के, लेकिन इन तीन चीज़ों की मदद से जो है अभी अपने व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ एक नई चीज़, जो कि स्टार्टिंग में जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखता है, ब्लॉगर की देखता है या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखता है, तो उसके मन में यही आता है कि दिमाग में यही आता है कि यार मैं भी तो ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ब्लॉग बना सकता हूँ, मैं भी वीडियो बना के पैसा कमा सकता हूँ। तो उसके माइंड में ये तो आता है कि मैं पैसा कमा सकता हूँ वीडियोज़ बना के, लेकिन ये लेकिन वेकिन वाली मैं जो है आज आपकी जो है परेशानी जो है दूर कर दूंगा। वीडियोस बनाने के लिए बताता हूँ कि वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और किस किस तरह से वीडियोस बनाई जा सकती है और क्या क्या आप ट्रेंड लेके चल सकते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक जो मेरी वीडियो पे नया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो, मज़े की वीडियो जो है वो आप तक जो है पहुँच सकें और मेरे ब्लॉग देख के जो है वो आप लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। बिना टाइम ज़ाया किए बिना हम आज की वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर चलते हैं। कि सबसे पहली जो चीज़ है ब्लॉग, अगर आप ब्लॉग बनाने लगते हैं तो ब्लॉग ही बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। ब्लॉग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले आपकी जो है वो वॉइस अच्छी होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है कैमरे की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी आपकी क्वालिटी होगी तो लोगों को देखने में मज़ा आएगा, उनको इंटरेस्टिंग लगेगी वीडियो। तो अपनी वीडियो में की पॉइंट्स रखा करें ताकि लोग एंड तक वीडियो देखें, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था विदाउट कोई, मेरे पास माइक नहीं था, विदाउट कोई मेरे पास एक्सेसरी कोई भी इस किस्म की नहीं थी कि जो व्लॉग बनाने में मेरी मदद कर सके, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया वन बाय वन करके, मैं जो चीज़ें वो उसमें ऐड करता रहा अपनी क्वालिटी बेहतर करने के लिए, वीडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए, वॉइस क्वालिटी बेहतर करने के लिए जो है वो चीज़ें मैं उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे मेरे पास कोई कुछ सोच में नया आता है तो मैं उसको एडिशन कर लेता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। अब सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास नहीं थी, ठीक है, इसकी मदद से मैं अंधेरे में वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से ऑन किया, इसमें तीन ऑप्शन हैं। फर्स्ट आपकी लाइट बिल्कुल नॉर्मल, उसके बाद थोड़ी हाई, उसके बाद उससे ज़्यादा हाई, और ये बंद, ठीक है। इसको मैं लगा लेता हूँ अपने मोबाइल पे इस तरह से और इसको कर लेते हैं ऑन। इस तरह से ऑन करके मैं इसको अंधेरे में भी अपनी जो है वो वीडियो बनाता हूँ और उससे जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, कैमरे की भी और वीडियो की भी जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अंधेरे में वैसे तो नज़र नहीं आती कोई चीज़, लेकिन इसकी वजह से जो है मेरी वीडियो की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। तो पॉइंट नंबर टू की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर टू मेरा ये है, ये आप देख सकते हैं जी, ये है जी माइक, ठीक है। माइक तो वैसे भी बहुत से मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन इस माइक की जो है वो प्राइस भी जो है रिजनेबल है, आम जो है बंदा इसको बाय कर सकता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। इसको हम जो है ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉग यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है। इसको हम इस तरह से यहाँ लगा के या शर्ट के अंदर से इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं अपने शर्ट पे, और ये पॉइंट जो है ये लगा दिया हमने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, या अगर आपके पास आईफोन है, आईफोन यूज़र का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि उनको ये पिन नहीं लगती, मतलब जो भी 7 प्लस से आगे वाले मॉडल्स हैं उनमें ये जैक नहीं लगता। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कि कन्वर्टर चाहिए होता है, जो कि इस पिन को जो है वो आईफोन जैक में कन्वर्ट करता है, जो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप मार्केट से दूसरा लेंगे तो उसके ज़रिए जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, ओरिजिनल कैमरे से जो है वो वीडियो नहीं बनाएगा। उसके लिए आपका जो है कनेक्टर जो है वो कन्वर्टर जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, तभी जो है वो है माइक M1 माइक है ये, ठीक है।
तो तभी जो है वो आपका जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा ये और वर्किंग करेगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो मैंने अभी इसका फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरह से मैं दिखाता हूँ इसका, आपको उतार के इसके ऊपर से लाइव वीडियो के अंदर, ये है तो छोटा सा लेकिन है बड़े काम का, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं इस तरह भी यूज़ करता हूँ मोबाइल लगा के स्टैंड के तौर पे, और दूसरा जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ ज़मीन पे रख के, इसको ओपन करके ज़मीन पे रख के, तो है छोटा लेकिन काम में पूरा है। ये हो गया, ये तीन चीज़ें मेरे पास मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, और चौथा ये जो है ये लाइव देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपने घर में बनानी है तो फिर तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और अगर घर में नहीं बनानी तो फिर भी आपको इसका सहारा लेने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शाम को अंधेरा हो जाता है, बनाते बनाते वीडियो बनाना कोई आसान नहीं है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लाइट डिम हो जाती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो क्वालिटी अच्छी करने के लिए, ठीक है। मैं तो ये यूज़ करता हूँ, बोया M1 माइक यूज़ करता हूँ, और ये छोटा सा मैं स्टैंड यूज़ करता हूँ, जिसको आप कहीं भी कभी भी स्टैंड पे रख लें, टेबल पे रख लें, ज़मीन पे रख लें, जहाँ मर्जी रख के आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं इन तीन चीज़ों की मदद से जो है अभी अपने व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास कुछ चीज़ें आती रहेंगी, एडिशन होता रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये जो है ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके व्लॉग को अच्छा करने के लिए, आपकी व्लॉग की क्वालिटी को अच्छी करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई कमी पेशी आपको मेरी वीडियो में लगे तो उसकी कमी पेशी का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हसीब चौधरी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।